चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, इन्हें आरओ दफातर में दाखिले से रोका जा रहा है, उम्मीदवारों के तजवीज़ और तायद कुनंदगान को हरासा किया जा रहा है। ये तमाम हथकंडे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल है। ये हरबे इलेक्शन कमीशन की नाकामी का सबूत है। आपको बताएं तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू, नजर सानी अपील दायर कर दी। एक रुकनी बेंच का हुक्म इम्तना खत्म करने और दो रुकनी खसूसी बेंच बनाकर जल्द समाप्त करने की इस्तदा की गई। पीटीआई के वकील ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को ही नाकिस करार दे दिया। 8 फरवरी को फैसला करना होगा कौन मेमार है और कौन तकरीब का। शहबाज शरीफ का फरुखाबाद में जलसे से खिताब, कहा हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, लोगों ने कहा कि सियासत को नुकसान होगा, मैंने कहा भाड़ में जाए सियासत, इसको रियासत पर 100 बार कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे। तो नौजवानों को गाली गलोच नहीं सिखाई हमने, तो नौजवानों को ये नहीं कहा कि जाके पत्थर मारो और जाके आग लगा दो। 9 मई के वाकयात के बाद उन शहीदों के बच्चों और उनके अजीजों पर क्या गुजरी होगी, ये वो सवाल है जिसका आपने जवाब देना है। 8 फरवरी को आपने इसका फैसला करना है कि कौन तखरीबकार है और कौन पाकिस्तान का मेमार है। पाकिस्तान को दिवालियापन से जो बचाया, अगर ना बचाते तो क्या होता। मुझे लोगों ने कहा कि सियासत के ऊपर बहुत नुकसान होगा, मैंने कहा खुदा की कसम ऐसी सियासत बाढ़ में जाए, अगर रियासत ना रही तो सियासत कहाँ की, रियासत बच गई सियासत भी बच जाएगी, एक दो बार कुर्बान करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं 2018 के बड़े बड़े खिलाड़ियों का 2024 के आम इंतखाबात से डब्बा गोल होने लगा। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी में तहरीक इंसाफ की विकटें धड़ाधड़ गिर गईं। बानी पीटीआई समेत शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, कासिम सूरी, आजम सवाती, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद और दीगर छोटे बड़े उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन था, लेकिन उम्मीदवारों के पास कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपेलेट ट्रिब्यूनल में जाने का अभी एक मौका बाकी है। फिलहाल रिटर्निंग अफसरान ने कितने खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड किया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आम इंतखाबात 2024, बड़े दंगल से कई खिलाड़ी आउट। बानी पीटीआई के इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश पूरी ना हो, फिलहाल इंतखाबी मैदान से बाहर NA-122 लाहौर और NA-89 मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA-122 पर तोशाखाना केस में सजा याफ्ता होने के बाइस साबिक वजीर आजम के खिलाफ एतराज मंजूर किया गया। रिटर्निंग अफसर सज्जाद अहमद कुरैशी ने लिस्ट आवेजा कर दी। NA-122 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्रम लतीफ खोसा के भी कागजात मुस्तरद किए गए। शाह महमूद कुरैशी, उनके साहबजादे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबान कुरैशी के कागजात भी मंजूर ना हो सके। NA-214 थरपारकर और NA-151 मुल्तान से कागजात रद्द हुए। तहरीक इंसाफ दौर के साबिक डिप्टी स्पीकर भी अहल ना हो पाए। PTI उम्मीदवार कासिम सूरी के NA-263 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। उन पर इश्तिहारी होने और कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने का एतराज उठाया गया था। NA-130 से नवाज शरीफ के मुकाबले पर खड़ी होने वाली PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात भी मंजूर ना हो सके। PP-172 लाहौर से हम्माद अजहर के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। NA-15 मानसहरा से आजम खान सवाती भी आउट। NA-23 मर्दान से अली मोहम्मद खान की विकेट भी गिरी। NA-181 लैया से अब्दुल मजीद खान न्याजी और बिहाड़ी से ताहिर इकबाल चौधरी के कागजात भी रद्द हो गए। NA-71 पर ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पर उस्मान डार की वालदा ने कागजात जमा कराए थे, रिटर्निंग अफसर ने वो भी मुस्तरद कर दिए। तहरीक इंसाफ के बरक्स मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो सरदारी, जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान और कई बड़े बड़े नाम कहाँ कहाँ से किस्मत आजमाएंगे, ये आपको बताएंगे साथी एंकर उमर बशीर। इंतखाबी रेस के बड़े बड़े घोड़े तैयार होने लगे। जिन अहम सियासतदानों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं
उनमें सबसे पहले जिक्र सर फहरिस्त है मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को NA 15 और NA 130 से इलेक्शन लड़ने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। शहबाज शरीफ का तذکرہ करते हैं। शहबाज शरीफ NA 123 और NA 123 के साथ साथ PP 164 से मैदान में उतरने जा रहे हैं। मरियम नवाज NA 119 और NA 120 से मैदान में उतरने जा रही हैं। नून लीग के अहम रहनुमा ख्वाजा आसिफ NA 71 समेत PP 46 और 47 से इंतखाब लड़ेंगे। राणा सनाउल्ला की जानी बढ़ते हैं। राणा सनाउल्ला NA 100 फैसलाबाद से मैदान में उतरेंगे। अब बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो बिलावल भुट्टो NA 127 194 और 196 से इंतखाबात लड़ेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी NA 207, जबकि इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूसुफ रजा गिलानी के बारे में। यूसुफ रजा गिलानी को NA 148 से कागजात नामजदगी की मंजूरी मिल गई है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के दो बड़े नाम भी इंतखाबी दौड़ के लिए तैयार हैं। पेटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन NA 149 और 155 के अलावा पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 227 से भी मैदान में उतरेंगे। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान कौमी असम्बली के तीन हलकों NA 117 119 और 147 से किस्मत आजमाएंगे। अब्दुल अलीम खान पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 149 और 209 से भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कराची के हलका NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 240 से फारूक सत्तार, अलीम आदिल शेख, सलीम मानवी वाला समेत 26 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। PS 107 पर 34 उम्मीदवार क्लियर। PS 106 से नादर गबोल, मौलाना नूरुल हक समेत दीगर के कागजात मंजूर हुए। रिटर्निंग अफसर की मंजूरी के बाद फहरिस्त आवेजा कर दी गई। इलेक्शन 2024 के लिए PTI के अलावा भी कई मारूफ सियासतदानों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। शेख रशीद के NA 56 और NA 57 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। गुजरात से NA 64 और NA 69 से परवेज इलाही और मोनस इलाही भी आउट हो गए हैं। NA 264 कोयटा और NA 256 खुजदार से सरदार अख्तर मेंगल के कौमी असम्बली के लिए जमा होने वाले कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। बदीन से मिर्जा फैमिली के लिए भी मुश्किल आ रही हैं। रिटर्निंग अफसरान ने NA 223 और PS 71 से फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, हसनैन मिर्जा, हसान मिर्जा के कागजात रद्द कर दिए हैं। NA 264 से मीर खालिद लांगू और सेनेटर प्रिंस आगा उमर अहमद जई के कागजात भी मंजूर नहीं हो सके। चाघी के दो हलकों NA 260 और PB 32 से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के कागजात मंजूर हो गए हैं। खुजदार में NA 256 से नवाब सलाउल्ला जहरी और मीर शफीकुल रहमान मेंगल के कागजात मंजूर हुए हैं। NA 117 से नून लीग के अयाज सादिक और अता तारड़ को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इसी हलके पर अब्रालुल हक के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। NA 122 से PTI के लतीफ खोसा और एडवोकेट अजहर सदीक को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। NA 110 बुनेर से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA 4 स्वात से मुराद सईद, PK 45 एबटाबाद से मुश्ताक गनी के कागजात मुस्तरद। NA 10 बुनेर से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के कागजात मंजूर कर लिए गए। NA 19 सवाबी से असद कैसर, NA 20 से शहराम तरकई के कागजात मुस्तरद। NA 32 पिशावर से शेर अफजल मरवत के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। NA 33 नौशहरा से परवेज खटक के कागजात क्लियर करार। NA 32 पेशावर से गुलाम अहमद बिलोर। NA 25 चारसद्दा से इमल वली खान के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 24 चारसद्दा से आफ्ताब शेरपाओ के कागजात मंजूर। NA 22 मर्दान से अमीर हैदर होती के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। NA 44 पर मौलाना फजल रहमान के कागजात मंजूर और अकरम दुरानी को PK 102 से ग्रीन सिग्नल मिल गया। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने पर सरदार अख्तर मेंगल का रद्द अमल सामने आया। गवर्नर बलूचिस्तान के इस्तीफे पर गौर शुरू कर दिया। अख्तर मेंगल कहते हैं कि पार्लियामेंट सरकार का घर है, उन्हें वहां हमारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं है। हमारा क्या काम है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने। अकामे पर एक साबिक वजीर आजम को सजा हुई और ताहयात ना अहली का सामना करना पड़ा। अकामे की बुनियाद पर ही मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। पाकिस्तान में कानून नहीं
सरबरा आवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं जिंदगी में कभी मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा, 16 बार वजीर रहा, 94,000 रुपए की करप्शन क्यों करता। रावलपिंडी के हलकों NA 56 और 57 में कलम दबाद की जीत का दावा भी कर दिया। मैं कभी मरी गया ही नहीं किसी रेस्ट हाउस में, मैं 16 दफा वजीर रहा हूं तो मैं 94,000 रुपए की करप्शन क्यों करता। मैं कल इनसे दरखास्त करूंगा कि ये अपने तीनों गलत और गैर जिम्मेदाराना इल्जामात वापस ले लें। उसके बाद मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इंशाल्लाह ताला 56 और 57 कलम दवात जीतेगी, रावलपिंडी के अवाम जीतेंगे।